दोस्तों नमस्कार। आज हम नैन टेक्नोलॉजी, नैन सॉफ्टवेयर आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन सॉफ्टवेयर लेके आए हैं जो स्कूल से संबंध रखता है, कॉलेजों से संबंध रखता है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर का आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इंक्वायरी मैनेजमेंट सिस्टम, एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम, फी मैनेजमेंट सिस्टम, फैमिली रिसीप्ट, ट्रांसपोर्ट, स्टॉक, इन्वेंट्री, लाइब्रेरी, एग्जामिनेशन और आइडेंटिटी कार्ड, बहुत सारे फीचर्स को के साथ में ये सॉफ्टवेयर ERP हमने डेवलप किया है। सभी कॉलेजों का हित को देखते हुए, सभी CBSE बोर्ड के स्कूलों को देखते हुए ये सॉफ्टवेयर बनाया है। इस सॉफ्टवेयर में आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं लॉगिन आईडी, यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी डालनी होती है। जैसे आपने लॉगिन आईडी डाला तो ये नैन सॉफ्टवेयर कंपनी आपको ये सॉफ्टवेयर को सीधा लॉगिन कर देती है हमारे डैशबोर्ड पे। ये हमने इसका डैशबोर्ड बनाया हुआ है ERP का, NSC एजुकेशन ERP। इसमें आपका स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे इसमें आप क्या क्या वर्किंग कर सकते हैं। ये पूरा ERP एजुकेशन ERP सॉफ्टवेयर है जो नैन सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा, NS टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर में सारे फीचर्स हैं, जैसे आपके एडमिशन कैसे करेंगे, आप फी प्लान कैसे बनाएंगे, फी रिसिप्ट कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको डिमांड रजिस्टर बनाना है, फी डे बुक में कितना कलेक्शन हुआ, क्या ड्यू लिस्ट किन किन पे कितना बकाया है, समरीज एंड सारी ERP जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोर्ट्स हैं वो हम एक बार स्टेप बाई स्टेप आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे मास्टर के बारे में। मास्टर में मीनू दिए हुए हैं, मास्टर मीनू एंट्रीज एंड डिस्प्ले। मास्टर मीनू का प्रयोग हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर सारी जितने भी हमारी यूटिलिटी है उनको सबको एक वन टाइम सेट करना पड़ता है। जैसे अकाउंट खाते बनाना है, किसी का अकाउंट बनाना है तो अकाउंट मीनू का प्रयोग करेंगे आप, और इस तरह से आप न्यू पर क्लिक करके आप नया खाता भी बना सकते हैं। और इसी तरह से ग्रुप हैं, अगर किसी का ग्रुप बनाना है आपको तो अकाउंट ग्रुप से आप ग्रुप बना सकते हैं। जैसे किस लाइब्रेरीज में जाएगा, कस्टमर है कस्टमर में जाएगा, स्टूडेंट है स्टाफ है स्टाफ में जाएगा, एक्सपेंसेस है स्कूल का तो एक्सपेंस में जाएगा, तो एड न्यू से नया ग्रुप भी बना सकते हैं। इसके बाद आता है अपना ओपनिंग बैलेंस एडिटर, अगर कुछ पिछले साल का कुछ बकाया है तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस एडिटर में आप डाल सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा इंक्वायरी मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कोई इंक्वायरी होती है, कोई स्कूल में आता है गार्जियंस, तो वो कहता है कि हमारा बच्चे को क्या क्या आपके यहाँ सिलेबस है, क्या सारा ही पूछता है, तो वो स्टाफ हमारा जो स्टाफ है काउंटर पे वो अपना इंक्वायरी पहले करेगा, उसकी इंक्वायरी नंबर, उसकी पूछेगा किस क्लास के लिए आपका बच्चा है, स्टूडेंट नेम जो भी नेम होगा वो डाल देगा, यहाँ पर क्लास कॉन्टैक्ट नंबर फादर्स, यानी पूरी जितना भी हमारे जैसे फॉर्म फिल करते हैं उस तरह से ये हमने फॉर्म बनाया है। यहाँ पे स्टूडेंट का अगर फोटो है तो वेब कैमरा द्वारा फोटो भी ले लेगा, फादर उसके साथ में आए तो फादर का फोटो, मदर आई है तो मदर का फोटो, इस तरह से पूरी इंक्वायरी फिल करने के बाद इसको सेव कर देगा इसका इंक्वायरी मैनेजमेंट। तो इसमें जितनी भी हमारी इंक्वायरी हुई तो वो सारा हमारा लिस्ट है यहाँ पे आपको शो कराता रहेगा। यहाँ पे आपका पेंडिंग इंक्वायरी कितनी चल रही है, सक्सेसफुल कितनी हो गई, तो वो देखनी है लिस्ट, तो आप वो पेंडिंग इंक्वायरी और सक्सेसफुल लिस्ट देख सकते हैं, इसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये अपना इंक्वायरी मैनेजमेंट सिस्टम है। इस तरह से आपका यहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन करना है तो वही सिस्टम है, एडमिशन कैसे करना है आपको, जैसे इंक्वायरी किया उसी तरह, यहाँ से SMS करना है तो किसी क्लास को, पर्टिकुलर क्लास को SMS भी कर सकते हैं आप, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और यहाँ से आइडेंटिटी कार्ड निकालना है, किसी बच्चे का आइडेंटिटी कार्ड निकालना है तो आइडेंटिटी कार्ड पर क्लिक किया तो ये सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें आपका ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है, तो मार्केट से आपको आइडेंटिटी कार्ड भी बनवाने की आवश्यकता नहीं होती है। सारा आपका एडमिशन आप फॉर्म फिल करते हैं मैनुअली, फॉर्म फिलिंग करनी होती है कॉलेज को और स्कूल को, तो इसमें हमने फॉर्म भी दिया हुआ है जो हमारा ऑटोमेटिकली फॉर्म फिल हो जाता है। अगर आपने एडमिशन की एंट्री कर रखी है तो स्कूल का पूरा उसमें है एडमिशन, उसका फ़ोटो, उसकी पूरी पास आउट कहाँ से किया, उसका पूरा डिटेल स्टूडेंट का आपका इसी फॉर्म में आ जाता है, तो इस तरह से एडमिशन फॉर्म। बाकी हमारा बर्थडे विश करना है तो बर्थडे का SMS करना है, ये फादर का एनिवर्सरी का, तो वो सारे SMS सुविधा भी है अपने इस सॉफ्टवेयर में दी हुई है।
कोई आपको फिल्ट्रेशन करना है एडमिशन में, सपोज करो आपको क्लास वाइज लिस्ट निकालनी है तो आपको यह सारे फिल्टर दिए हैं, फादर नेम वाइज सर्च कर सकते हैं आप, क्लास वाइज सर्च कर सकते हैं। आपको चाहिए, मेरे को फर्स्ट क्लास की स्टूडेंट चाहिए या केजी की स्टूडेंट चाहिए या थर्ड की चाहिए, तो आपने यह क्लास पे थर्ड डाला, TH लिखा और जैसे ओके करोगे तो थर्ड के स्टूडेंट आ जाएंगे। फोर्थ डाला तो फोर्थ के जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सारे फोर्थ के जाएंगे। तो ये हमने मास्टर मेनू में दिया हुआ है। इस तरह से फी प्लान, फी हेड बना लेते हैं, रूट, बस मास्टर, बस में कौन कौन स्टॉप है, कहाँ कहाँ पे है, तो ये सारा उसमें डिटेल डाल के हम बस स्टॉपेज का पूरा रूट का प्लान बना लेते हैं। इसके बाद क्लास सिलेक्शन, ये सारी हम फिलिंग करने के बाद आइटम हमारा कोई जैसे सेट स्कूल से दिए जाते हैं बुक्स के, तो वो भी आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं, आइटम बना सकते हैं, उसका सेट बना सकते हैं और सेल परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा आपका शिफ्ट, आपका हॉलीडे, लिस्ट ऑफ हॉलीडेज स्कूल के अंदर हॉलीडेज होते हैं तो वो सारे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन रहती है। इसके बाद हमने इसमें यूजर्स क्रिएशन भी दिया हुआ है, जैसे स्कूल में अलग अलग यूजर हैं, टीचर अलग मेंटेन करता है, अकाउंटेंट अलग में, तो उनके यूजर भी आप बना सकते हैं। इसमें पूरा यूजर सिस्टम भी दिया हुआ है, उसको क्या परमिशन देनी है, तो वो सारा सिस्टम यूजर प्रोफाइल में हमने दे रखा है। इसमें मटेरियल इशू, स्टॉक इन्वेंट्री, फी मैनेजमेंट, किसको क्या परमिशन, ऑपरेटर को क्या परमिशन देनी है और स्टाफ को क्या परमिशन देनी है, वो भी हमने इसमें ऐड कर रखा है। तो इस तरह से ये मास्टर मेन्यू की वन टाइम सेटिंग हो जाती है। जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे आपको तो सारी सेटिंग करके देंगे आपको हम। उसके बाद क्या कर रह जाता है, केवल एडमिशन करना रह जाता है और बाकी फी रिसीव करना रह जाता है, तो वो मैं बताऊंगा आपको। एडमिशन करने के लिए ऑलरेडी हमने अभी आपको बताया था, जैसे यहाँ से न्यू पे क्लिक किया तो एडमिशन फॉर्म खुल गया, इस तरह से ये एडमिशन आ गया। इसका फोटो लगा दिया, उसका नाम, उस किस क्लास का है, किस सेक्शन का है, क्या रोल नंबर है उसका, पूरा रूट, किस कास्ट का है, न्यू एडमिशन है और ओल्ड एडमिशन है, तो यहाँ पे आपको शो होगा। तो इस तरह से इसकी पूरी फिलिंग करते हुए, उसका जॉब का है, मोबाइल नंबर सारा डालते हुए, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन में TC आई है नहीं आई, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आया, RFID, ये सारा आप लेफ्ट राइट मार्जिन, ये सारा करने के बाद आप अपडेट कर देते हैं। तो इस तरह से एडमिशन हो गया। जब एडमिशन हो गया, एंट्री हो गई, सारी सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या होता है कि फीस रिसीव लेना है आपको, डेली आपको फीस लेनी है, तो आपको डेट डाला आपने, सिर्फ एडमिशन नंबर डालना है आपको, जैसे इंटर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली एडमिशन जो भी होगा वो बच्चा हमारा सामने होगा, किस मंथ की लेनी है उसकी फीस, तो वो मंथ सिलेक्शन किया, जैसे ओके करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर फीस बना देता है। सपोज करो इसकी 3700 रुपये फीस बनी है, उसमें उसने दिए 3000 रुपये, तो 3000 रुपये जैसे आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, इंटर करेंगे तो बैलेंस भी दिखाएगा आपको, इतना पैसा इस पर बैलेंस है। इसको सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस पर मैसेज भी पहुँच जाएगा गार्जियंस पर, और ये प्रिंट स्लिप निकाल लें तो प्रिंट स्लिप निकाल लें, इंटर नो करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। फिर रिसीव कर लिया, इसके ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, किस रूट की कितना चार्जेज है, तो वो सारा आपने बना दिया, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट के खाते में ट्रांसपोर्ट। ये लाइब्रेरी, कोई भी हमें बुक्स इशू करनी है तो बुक्स इशू को उसको करनी है, उसका स्टूडेंट का कोई नाम, नंबर, नाम डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक सारे स्टूडेंट आ जाते हैं। ये स्टूडेंट आ गया, उसको सिलेक्शन किया कौन सी बुक्स देनी है, तो वो आपको इशू कर सकते हैं इसमें। इस तरह से आपका फी कार्ड, को उसका स्टूडेंट का पर्टिकुलर वो फीस कार्ड देखना है तो वो अपने इंटर किया, ओके किया, तो ये उसका पूरा फी रजिस्टर जिसे बोलते हैं, या फी कार्ड जो स्टूडेंट को दिया जाता है, तो वो आ गया। इसमें इतना इसकी फीस बनी, इसमें कितनी तारीख को इसने जमा किया था पैसा, तो नेट फीस इतनी बनी थी, इतना 3000 रिसीव हुआ, और बाकी जो बैलेंस होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दर्शाएगा 700 रुपये बैलेंस है। तो इस तरह से फी कार्ड भी दे सकते हैं। डिमांड